दीपिका को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए वो अपने लैब में चली गई। कॉन्फ्रेंस रूम में मिस्टर एक्स के साथ बाकी के इन्वेस्टर्स बैठे हुए थे। दीपिका वहां पर लगे कैमरे के माध्यम से सब कुछ चुपचाप देख रही थी। वैसे तो फिनिक्स एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट मिस्टर एक्स हैं, पर वो एक मिस्टीरियस लाइफ जीते हैं, इसलिए कंपनी के सीईओ विकी बंसल ही कंपनी का फेस है। मिस्टर एक्स अपने काम में लगे माइक्रोफोन से दीपिका को सीधे सीधे सुन सकते थे। दीपिका कंपनी के किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर नहीं थी, पर वो कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी और उसके बिना कंपनी को चलाना मुश्किल था। उसकी सारी इनोवेशन की वजह से ही कंपनी को कुछ ही समय में बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हुए थे, पर पर्दे के पीछे वो कंपनी को इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में मदद करती थी। दीपिका भी नहीं चाहती थी कि उसकी असलियत दुनिया को पता चले, इसलिए वो चाहती थी कि लोग उसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह ही जाने। उसको अभी भी अपना मिशन पूरा करना बाकी था, इसलिए जब तक उसका मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहती थी। मीटिंग में वो मिस्टर एक्स को बार बार सुझाव दे रही थी। करीब 6 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई। दीपिका काफी थक चुकी थी, उसे सबके साथ डिनर भी करना था, पर उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए वो यहीं सोफे पर आराम कर ले। पर जैसे ही वो सोफे पर लेटी उसे गहरी नींद आने लगी और वो पूरी रात वहीं सोती रही। इधर रणबीर और रोहन डिनर के लिए आ गए थे, पर दीपिका उन लोगों को कहीं नजर नहीं आई। तभी रोहन ने कमलनाथ अंकल से पूछा, अंकल दीपिका दीदी कहीं पर नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? वो अभी तक डिनर के लिए क्यों नहीं आई? तभी कमलनाथ जी को याद आया कि दीपिका ने कहा था कि उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मीटिंग काफी देर तक चलेगी। यही सोचकर उन्होंने कहा कि रोहन सर, वो दीपिका मैम अभी एक मीटिंग में है, इसलिए शायद वो डिनर के लिए नहीं आएंगी। तभी रोहन ने पूछा, वैसे वो घर वापस कब तक आएंगी? कमलनाथ जी ने जवाब दिया, अरे वो बाहर नहीं गई है, अपने ही रूम में है, बस टीवी पर मीटिंग अटेंड कर रही हैं वो। ये सुनकर रोहन मुस्कुराने लगा और कहता है कि अच्छा, आपका मतलब है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने रोहन जी। वहीं दूसरी तरफ रणबीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वह चुपचाप खाने में व्यस्त था। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम पर भी दीपिका गायब थी। रोहन चुपचाप मुंह लटकाकर नाश्ता कर रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अकेला खाना खा रहा है, क्योंकि रणबीर ना ज्यादा कुछ बोलता नहीं था। तभी रोहन ने कहा कि अगर आज रात भी डिनर के लिए दीपिका दीदी नहीं आई ना, तो मैं वापस ही नहीं आऊंगा, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। रणबीर ने अभी भी कुछ नहीं कहा। भैया आप कुछ बोलते क्यों नहीं है, प्लीज बोलिए ना भैया। रणबीर अभी भी चुप था। तभी रोहन ने गुस्से में कहा, ठीक है आप कुछ मत बोलिए, मैं भी यहाँ से एक हफ्ते के लिए जापान चला जाता हूँ, बेटर रहेगा। रणबीर ने अभी भी कुछ नहीं कहा तो रोहन दोबारा कहने लगा, आप अपने भाई को प्यार नहीं करते क्या? आपका भाई देश से बाहर जाने की बात कर रहा है और आप ओके कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कैसे भाई हो यार, किस तरह के भाई हो? रणबीर थोड़ी देर तक चुप रहा और कहता है, अच्छी बात है कि तुम जापान जा रहे हो, वहां पर वैसे भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हैं, इसलिए जाओ और चेक करो कि वहां हो क्या रहा है। सच में भैया आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तभी रोहन ने अपना बैग उठाया और कहा, ठीक है मैं जा रहा हूं। जैसे ही रोहन गेट से बाहर जाने वाला था तो रणवीर कहता है, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखना। ये सुनकर रोहन मुस्कुराने लगा और कहता है, थैंक यू भैया, अब मैं सारे प्रॉब्लम्स खत्म करके ही आऊंगा। रणबीर भले ही ऑफिस नहीं जा रहा था, पर उसे ऑफिस की सारी इन्फॉर्मेशन रहती थी, आखिर कहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है और कहाँ काम ठीक से नहीं हो रहा है, उसे सब पता होता था। जापान में कुछ प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए रोहन आज रात को ही प्राइवेट प्लेन से सीधे जापान जा रहा था। रोहन तो वहां से चला गया, पर अब रणबीर को बोरिंग फील होने लगा था। Mm-hmm.
नाश्ता करने के बाद रणवीर अपने रूम में चला गया और रोहन की बातों को याद करने लगा। भाई दीपिका दीदी के बगैर मन नहीं लग रहा, रणवीर एकदम से मुस्कुराया और कहता है, सच में कितना ड्रामा करता है ना रोहन, अभी कुछ ही दिन पहले तो यहाँ पर आया है और ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अगले दिन जब दीपिका सोकर उठी तब तक दिन के एक बज चुके थे। उसने जैसे ही टाइम देखा तो उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। वो खुद से कहने लगी, मेरे घर में मेहमान है फिर भी मैं ऐसे कैसे सो सकती हूँ, पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं रणबीर ने टाइम से दवाई ली भी है या नहीं। यही सब सोच सोच के वो अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी और ऐसे तैयार हो रही थी जैसे कि रोबोट तैयार होता है। पूरी तरह तैयार होकर जब उसने घड़ी देखी तो दिन के 2 बज गए थे। घड़ी देखकर उसे थोड़ी सी शांति मिली कि चलो आज लंच के लिए तो लेट नहीं हुआ। वो सीधा किचन की तरफ चली गई और कमलनाथ जी को ढूंढने लगी। तभी पुष्पा आंटी ने बताया कि बेटा वो तो खाना लेकर मेहमानों के रूम में चले गए हैं। दीपिका वहीं बैठकर उनका इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद कमलनाथ जी लंच का ट्रे लेकर वापस आ गए। उनके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। उनको देखते ही दीपिका कहते हैं, क्या हुआ अंकल, उन्होंने आज भी खाना खाने से मना कर दिया क्या? कमलनाथ जी ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तो दीपिका मुस्कुराने लगी और कहती है, कोई बात नहीं अंकल, आप लंच का ट्रे मुझे दे दीजिए, मैं जाकर देखती हूँ कि आखिर बात क्या है। दीपिका लंच लेकर रणबीर के रूम की तरफ चली गई और जैसे ही दीपिका कमरे के अंदर गई तो दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। रणबीर ने मनी मन सोचा कि ये लड़की ना आसानी से हार नहीं मानने वाली है, इसलिए रणबीर ने कुछ नहीं कहा। उसने इशारों में दीपिका से कहा कि बालकनी में खाना रख दे। दीपिका ने एक प्लेट में खाना निकालकर रणबीर को दे दिया और फिर एक प्लेट में अपने लिए खाना निकालने लगी। कल की तरह दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे, दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे थे। खाना खाने के बाद दीपिका ने रणबीर को दवाइयां दी और जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने वाली थी तो रणबीर ने कहा, सुनो मेरा मन नहीं लग रहा है, यहाँ पर कोई स्टडी रूम है क्या? रणबीर दीपिका के बारे में कुछ ज्यादा जानना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि शायद स्टडी रूम में कोई जानकारी मिल जाए। पर यह सुनकर दीपिका चौंक गई और वो सोचने लगी कि वो हाँ कहे या फिर ना। अगर वो हाँ कहती है तो उसे रणबीर को स्टडी रूम का पासवर्ड देना पड़ेगा, और अगर ना कहती है तो रणबीर को उस पर शक हो जाएगा कि दाल में कुछ काला है। दूसरी बात यह भी थी कि स्टडी रूम में जाने के लिए दीपिका के बेडरूम से होकर जाना पड़ता था और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई अजनबी उसके बेडरूम में जाए। अगर ऐसा होगा तो वो जब चाहे अपने बेसमेंट के लैब में कैसे आ जा सकती है? दीपिका इन्हीं सब सवालों के बीच में घिरी हुई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रणबीर समझ गया कि उसने सही जगह पर तीर मारा है। तभी रणबीर ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम शायद चाहती नहीं हो कि मैं तुम्हारा स्टडी रूम यूज करूं। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स भी नहीं कर सकता और ना ही करूंगा, मैं तो बस कुछ पढ़ना चाहता था, बस के अलावा और मैं कर भी क्या सकता हूँ। रणबीर की बात सुनकर दीपिका समझ गई कि वो बिल्कुल अपने पापा वाला टेक्निक उसके ऊपर यूज कर रहे हैं ताकि मैं गिल्टी फील करूं और इसकी बात मान जाऊं। दीपिका थोड़ी देर तक सोचने लगी और मन ही मन कहती है कि ठीक है, तुम्हारा ट्रिक मैं तुम्हारे ऊपर ही यूज करती हूँ। तभी दीपिका ने कहा कि नहीं नहीं रणबीर, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं तुम्हें स्टडी रूम का एक्सेस नहीं देना चाहती, पर प्रॉब्लम यह है कि मैं तुम्हें एक्सेस कैसे दूं? ये सुनकर रणबीर ने कहा कि मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? दीपिका ने जवाब दिया, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ, फिर शायद तुम समझ जाओगे। दीपिका मन ही मन सोचने लगी कि शायद एक लड़की के बेडरूम में जाने से रणबीर शर्मा जाएगा। वो दोनों जैसे ही उसके बेडरूम के पास पहुंचे तो रणवीर ने कहा, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तो तुम्हारा बेडरूम है ना? दीपिका ने जवाब दिया, हाँ ये मेरा बेडरूम है, पर मेरे स्टडी रूम का रास्ता यहीं से होकर जाता है। दीपिका ने कमरे का दरवाजा खोल दिया और रणवीर को अंदर आने के लिए कहा, पर पहली बार था जब कोई मर्द दीपिका के रूम में जा रहा था।
यहाँ तक कि कमलनाथ जी को भी उसके रूम में जाने की परमिशन नहीं थी। इधर रणबीर भी मन में सोच रहा था कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब मैं किसी पराई लड़की के रूम में जा रहा हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कमरे के अंदर चला गया। उसने देखा कि पूरा कमरा एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। कमरे के अंदर महंगे महंगे फर्नीचर्स लगे हुए थे, पूरे फर्श पर कारपेट बिछा हुआ था, इसलिए कोई भी आराम से खाली पैर चल सकता था। ब्लैक, व्हाइट और ग्रे कलर के पूरे कमरे में पेंटिंग्स बनी हुई थी। वहीं खिड़की के पास एक झूला भी लगा हुआ था, जहां पर बैठकर कोई भी दूर दूर तक के जंगल का आनंद ले सकता था। हर सुबह सुबह की सूरज की किरण सीधे वहां पर आती थी। कमरे के राइट साइड में स्टडी रूम के लिए दरवाजा था और दोनों दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। वहां पर बहुत सारी बुक्स बुक सेल्फ में रखी हुई थी और सब किताबों से भरी थी। वहां पर बस एक सोफा लगा हुआ था। ये देखकर रणवीर चारों तरफ देखने लगा तो उसे कहीं भी कोई कुर्सी या टेबल नहीं दिखाई दी। इसी जिज्ञासा से उसने दीपिका की तरफ देखा। दीपिका समझ गई थी कि रणबीर के मन में आखिर चल क्या रहा है, तो उसने कहा, मैं सोफे पर नहीं सोती हूँ, इसलिए तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तुम इस पर आराम से बैठकर किताबें पढ़ सकते हो। यहाँ पर बस किताबें रखी हैं और स्टडी रूम इसके नीचे है। फिर दोनों ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाते हैं। पूरी लाइब्रेरी हजारों बुक्स से भरी हुई थी। जैसे जैसे वो स्टडी रूम की तरफ जा रहा था, हर बार कुछ ना कुछ देखकर उसकी आंखें चौक जाती थी। उसके मन में बस यही एक बात आ रही थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ।